गुड इवनिंग जोहार, मैं विकास चंद श्रीवास्तव DYSP झारखंड आप सभी का स्वागत करता हूं DSP की पाठशाला में। आज के सीरीज में हम लोग देखेंगे इंडियन पॉलिटी का सिविल सर्विस प्री में क्या रोल है, उसके बारे में एक बोर्ड पर मैंने लिखा है। आप इससे देखें कि इसका लास्ट 6 ईयर्स से क्या ट्रेंड रहा है फ्रॉम 2016 to 2021। 2016 में 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 17 में 22 एंड 18, 19, 20, 21 में। ओवरऑल हम लोग देखें तो लास्ट 6 ईयर्स से UPSC सिविल सर्विस प्री में अराउंड 91 क्वेश्चंस पूछे गए हैं इंडियन पॉलिटी से। इस 91 से अगर हम लोग एवरेज निकालें तो ये ऑलमोस्ट आप मान सकते हैं कि 14 to 18 14 से 18 प्रश्न पूछे जा रहे हैं प्री में इसमें आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस। एक बड़ा रोल हो जाता है इसमें, आप अराउंड 15 to 20% आप मान सकते हैं कि सिविल सर्विस की GS1 पेपर में प्री में इंडियन पॉलिटिक्स से पूछे जा रहे हैं। एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आप प्री में मैक्सिमम क्वेश्चंस परफॉर्म कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके पास अच्छी पकड़ है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो आपको मेंस में भी काफी एक काम आ रहा है। GS पेपर 2 में अराउंड इंडियन पॉलिटिक्स से 120-130 मार्क्स के पूछे जाते हैं। अगर इसमें हम लोग गवर्नेंस ऐड कर दें तो लगभग 170-180 मार्क्स का आपके इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से मेंस GS पेपर 2 में भी पूछे जाते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप परफॉर्म कर सकते हो। क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं आता है इसमें। ट्रेडिशनल बुक्स, बेसिक बुक्स जो आप फॉलो करते हो, इससे अराउंड 80-90% क्वेश्चंस आता ही आता है। चलिए एक बार हम लोग आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या चीजें हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अभी तक जो मैंने एनालिसिस किया है, सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे गए हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट से अराउंड 23 क्वेश्चंस आउट ऑफ 91 क्वेश्चंस। इट मीन लास्ट 6 ईयर्स की बात हम लोग करें तो पार्लियामेंट से 23 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इट मीन्स एवरी ईयर एवरेज निकालेंगे तो लगभग 4 प्रश्न पूछे गए हैं पार्लियामेंट से। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स 13 क्वेश्चंस, जुडिशरी सिस्टम से 10 क्वेश्चंस, प्रियम्बल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स, अमेंडमेंट आर्टिकल्स, एक ओवरऑल इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन है जिस पर आपको खास कर फोकस देना है, तो आपका फोकस एरिया में ये सब आप रख सकते हैं प्री के लिए। इसके बाद देखेंगे की फैक्टर्स क्या क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बुक इंडियन पॉलिटी, एम लक्ष्मीकांत, अराउंड 91 क्वेश्चंस लास्ट 6 ईयर्स का जो मैंने एनालिसिस किया था, 91 क्वेश्चंस में 61 क्वेश्चंस जो है वो लक्ष्मीकांत की बुक से पूछे गए हैं। और इसका अर्थ हुआ कि ये बुक आपके लिए एकदम सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स है। इस बुक को तो छोड़ना नहीं है, बढ़िया से इसको स्टडी करना है। इसके अलावा आप बेयर एक्ट, सेंट्रल लॉ एजेंसी के बेयर एक्ट, जो पूरे आर्टिकल शेड्यूल्स अमेंडमेंट के बारे में आपकी पतली सी बुक है, उसे अपने पास अवश्य रखें। करंट अफेयर्स, पॉलिटिकल इशूज, करंट को ट्रेडिशनल बेसिक्स जो आपका थ्योरी क्वेश्चंस है उसे कोरिलेट करके पढ़ना है, जो चर्चा में रहता है उससे अधिक क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, डेवलप करना है विजन, देन रिविजन, देन रिविजन, देन रिविजन, कंटिन्यू रिविजन करना है इस बुक को, एम लक्ष्मीकांत की बुक को। जितनी बार आप करेंगे हर बार आपको लगेगा कि अरे मैंने कुछ नया सीखा, तो हर बार आपको नई इंफॉर्मेशन गैदर करने को मिलेगा, क्योंकि हर एक लाइन में इसमें अपने उसकी खासियत है। नेक्स्ट इसके बाद है 10, ठीक है, 10 मीन्स 10 बहाने नहीं है, 10 मीन्स है डेवलप अंडरस्टैंडिंग स्किल। एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना पड़ेगा। अगर ये सब्जेक्ट आपको पूरी तरह समझ में आ गया और अपने आसपास हो रही घटनाओं को इससे कोरिलेट कर दिए, तो फिर तो इससे इंटरेस्टिंग, इससे बेहतर और कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। मैं कहूंगा इसे एक सब्जेक्ट के रूप में ना पढ़ें, इसे इस रूप में पढ़ें कि आपके अवेयरनेस के लिए, एक सिटीजन होने के नाते आपको ये बहुत काम आएगा। अब देखते हैं पॉलिटिकल कल्चर इन इंडिया। मैंने पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को एक कल्चर के रूप में इंडिया में डेवलप किया है, डेवलप हुआ है, उसको मैंने लिखा है। पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं भारत में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसके बारे में। डेफिनेटली पार्लियामेंट्री सिस्टम में
क्या होता है? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होता है. इन इंडिया देर इज पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट. जो संसदीय सरकार है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, उस गवर्नमेंट के तीन मुख्य पार्ट है, तीन मुख्य काम हम लोग कह सकते हैं. इस संसदीय सरकार को हम कह सकते हैं या एक उत्तरदायी सरकार भी है, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, या एक कैबिनेट गवर्नमेंट है, और इसकी तुलना वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट से कर सकते हैं. भाई कैसे है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट? इंडिया में तीन मेजर पिलर हैं, हम लोग जानते हैं, एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है, जुडिशरी. इंडिया में जो है वह एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के प्रति उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल है. एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका जो है वह अपनी सभी नीतियों, अपनी सभी कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी है? लेजिस्लेचर के प्रति उत्तरदायी, लेजिस्लेटिव के प्रति उत्तरदायी. तो ये इंडिया में डिफरेंट चीज है, ठीक है. अमेरिका में ये देखने को नहीं मिलता, वहां ये डिफरेंट है, अलग अलग चीजें हैं. तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है वह एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी है. पूरी पार्लियामेंट्री सिस्टम, पूरे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, तो जो गवर्नमेंट है उसके सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस में क्या है? कैबिनेट. इसीलिए इसे कैबिनेट गवर्नमेंट भी कहते हैं. एंड नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट. मेंस में भी इसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीएससी में. वेस्ट मिनिस्टर जो पैलेस है इंग्लैंड लंदन में, वेस्ट मिनिस्टर पैलेस मैंने बोर्ड पर बनाया है, इसी से ये कॉन्सेप्ट लिया गया. चलिए हम लोग चर्चा करते हैं वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट क्या है, वेस्ट मिनिस्टर मॉडल क्या है. ये वेस्ट मिनिस्टर जो है, ये सबसे पहले ये मॉडल, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम या डेमोक्रेटिक सिस्टम सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ था? यूके में, इंग्लैंड में यह सबसे पहले स्टार्ट हुआ था. इंग्लैंड में 1688 में ग्लोरियस रिवोल्यूशन, गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी, उसके बाद से वहां चीजें बदल गई थी. उस समय से वेस्ट मिनिस्टर जो मॉडल है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वो वहां इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ है. इट इज अ डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट मॉडल्ड एज यूज्ड इन द पैलेस ऑफ वेस्ट मिनिस्टर. इसका लोकेशन कहाँ है? लंदन में है, ठीक है. ये एक्चुअली है क्या? तो एक डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम है. द सिस्टम इज अ सीरीज ऑफ प्रोसीजर फॉर ऑपरेटिंग अ लेजिस्लेचर. तो एक ऐसा सिस्टम है जो पूरे लेजिस्लेचर को चला रहा है. ऑलमोस्ट ब्रिटेन की यह सिस्टम इंडिया से काफी हद तक मिलती जुलती है. दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंसेस है. ये सिस्टम जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम का है, ये काफी मेच्योर है. इट मीन्स ये फ्रॉम 1688 टिल नाउ कंटिन्यू है, बट इंडिया का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो कंपेरिजन इसके काफी थोड़ा नया है. तो ये काफी मेच्योर है, इंडिया का इमेच्योर फेज में. तो ये वेस्ट मिनिस्टर मॉडल जो है वो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के कई कंट्री ने इसे अडॉप्ट किया था, बाद में कई कंट्री ने इसे छोड़ भी दिया है. सबसे पहले ये कनाडा के द्वारा अडॉप्ट किया गया, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, सिंगापुर, इन कंट्री ने भी इसे अडॉप्ट किया. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा आप सभी लोग. अब देखते हैं कि इंडिया में जो तीन पार्ट है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी. चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम, मैं शुरू कर रहा हूं क्योंकि सबसे अधिक क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं. तो पार्लियामेंट्री सिस्टम किसका पार्ट हो गया? लेजिस्लेटिव का, विधायिका का पार्ट है. लेजिस्लेटिव यूनियन लेजिस्लेटिव, स्टेट लेजिस्लेटिव. स्टेट के साथ साथ तीन ऐसे यूनियन टेरिटरी है जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, दिल्ली, पुंडुचेरी एंड कश्मीर, ठीक है. यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेटिव. यूनियन लेजिस्लेटिव का जो मेन सेंट्रल पार्ट है, जो मेन ऑर्गन है, वो कौन है? पार्लियामेंट, ठीक है. सिमिलर एज स्टेट में क्या है? स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल है. इसकी बात करें पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट तीन, इसके तीन ऑर्गन है, तीन अंगों से बना है, तीन चीज इसमें शामिल है. प्रेसिडेंट प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा इज इक्वल टू पार्लियामेंट. तो पार्लियामेंट इन तीनों से मिलकर बना है. क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछा जा चुका है, बीपीएससी प्री वर में भी क्वेश्चन आया था, ठीक है. हम कह सकते हैं कि इंडियन पार्लियामेंट जो है वो क्या है? बाइकैमरल है, द्विसदनात्मक है. दो सदन है इसमें, एक राज्यसभा है, लोकसभा. प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ
पार्लियामेंट बट नॉट द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ध्यान रखेंगे पार्लियामेंट के मेंबर नहीं है बट ये पार्ट है, यूएसए में तो ये पार्ट भी नहीं है। तो ये मैंने इसी प्रकार स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो स्टेट लेजिस्लेचर इज इक्वल टू गवर्नर प्लस लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिस स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो वहां लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद भी आएंगे। मेरा होमवर्क आप लोगों के लिए है, आपको ये बताना है कि इंडिया के किन किन स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद है, मैप के द्वारा बनाना है, ठीक है, किन कौन स्टेट में है, ये मेरे लिए होमवर्क। जैसे यहां प्रेसिडेंट मेंबर नहीं होते पार्लियामेंट के, वैसे ही गवर्नर भी मेंबर नहीं होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के। ये क्लियर है आप लोगों का? अब आप देखिए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो है वो भारत के संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के किस चैप्टर में है, चैप्टर 5 में है, फ्रॉम आर्टिकल 79 टू 122 तक क्या है पार्लियामेंट है, संसद के बारे में है, ठीक है। संसद है क्या ये? जब भारत में इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, तो इसका अर्थ हुआ कि पार्लियामेंट उसका मेजर कॉम्पोनेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अगर हम लोग प्राचीन इतिहास से चले तो इन एंशिएंट इंडिया इन ऋग वैदिक एरा हम लोग क्या देखते हैं कि ऋग वैदिक एरा में भी कुछ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे लाइक समिति, सभा, विदत। तो यहां जो मैंने बात किया है समिति और सभा की, समिति क्या था, आम लोगों की सभा, हाउस ऑफ कॉमन मैन, हाउस ऑफ पीपल, बट जो सभा थी वो कुछ खास विशिष्ट लोगों की संस्था थी, क्या थी, काउंसिल ऑफ सिलेक्टेड पर्संस। इसकी तुलना, इसके कंपैरिजन इसको हम लोग कर सकते हैं, ये लोकसभा से मिलता जुलता है और ये राज्यसभा से काफी मिलता जुलता है। इसका अर्थ हुआ कि इंडिया में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये इंडिया में काफी पुराना प्राचीन से चला आ रहा है, फ्रॉम एंशिएंट पीरियड से ही चला आ रहा है, सभा, समिति, विदत। पोस्ट वैदिक एरा में इसमें कुछ नए और भी टर्म जुड़ गए लाइक गन, बाद के समय में ग्राम यूनियन, ग्राम संघ, इस तरह से भारत में डेवलप किया है पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। आजादी की बात हम लोग कहेंगे तो हम लोगों का अपना कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बना, विधान संविधान सभा बनी। तो संविधान सभा जब तक नई इलेक्शन नहीं हुई तब तक ये एक टेम्प्रोरी संविधान सभा ही, एक अस्थायी संसद, एक टेम्प्रोरी पार्लियामेंट के रूप में कौन काम कर रही थी, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, संविधान सभा ही काम कर रही थी। पार्लियामेंट के बारे में देखें तो प्लेस ऑफ प्राइमेसी एंड प्रीएमिनेंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस सबसे ऊपर है। इट इज सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द यूनियन। हम लोग जानते हैं लॉ के बारे में देखें, लॉ मेकिंग बॉडी कौन है, कानून कौन बनाती है, कानून पार्लियामेंट, कानून लेजिस्लेटिव बनाती है, यूनियन लेजिस्लेटिव सेंट्रल लेवल पर कानून बनाएगी, स्टेट लेजिस्लेटिव स्टेट लेवल पर कानून बनाएगी। तो लॉ मेकिंग एजेंसी कौन, तो लॉ मेकिंग एजेंसी, लॉ मेकिंग बॉडी कौन है, लेजिस्लेटिव है, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। सिमिलरली लॉ इन्फोर्समेंट बॉडी कौन है, कानून बनाती ये है उसे लागू कौन करती, लॉ इन्फोर्समेंट बॉडी कौन हो गया, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका लाइक हम लोग पुलिस फोर्स, लॉ इन्फोर्समेंट बॉडी जो कानून बन रहा है उसको लागू करने के लिए, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट करती है, सेंट्रल लेवल पर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, स्टेट लेवल पर स्टेट एग्जीक्यूटिव, और उस कानून को बचाने के लिए लॉ प्रोटेक्टिंग बॉडी एजेंसी कौन है, जुडिशियरी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको समझना है। शुरू में मैंने कहा था अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेवलप योर अंडरस्टैंडिंग स्किल, अगर ये डेवलप कर जाएंगे तो चीजें बहुत आसानी से समझ में आएगी। आई होप कि इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। एक बार हम लोग कंपैरिजन करते हैं इंडिया, ब्रिटेन एंड यूएसए के पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट इंडिया एंड ब्रिटेन में इसे पार्लियामेंट कहते हैं, बट यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इसे क्या बोलते हैं, कांग्रेस। वहीं से कांग्रेस आया है इंडिया में, कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, दादा भाई नरोजी, है ना। तो इंडिया में पार्लियामेंट
बाइकैमरल है, ब्रिटेन में भी बाइकैमरल है, यहां भी बाइकैमरल है। राज्यसभा क्या है? काउंसिल ऑफ स्टेट्स, अपर हाउस है। लोकसभा क्या है? काउंसिल ऑफ हाउस ऑफ पीपल, ठीक है। तो ये मैंने लिखा है, यहाँ अपर हाउस कौन है, लोअर हाउस कौन है, सिमिलर एज ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स अपर हाउस है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव लोअर हाउस है। यूएसए की बात करें, यूएसए में, ठीक है, यूएसए में सीनेट जो है वो अपर हाउस है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव लोअर हाउस है। ये एक स्ट्रक्चर है, कंपेरिजन है, इसको हम लोग जरूर देख रहे हैं। प्रेसिडेंट ये तीनों से मिलकर ये बना है, और यहां भी ब्रिटेन में भी ये तीनों से मिलकर, क्राउन से मिलकर ये बना है। अगर हम लोग इंडियन प्रेसिडेंट की तुलना, कंपैरिजन अगर ब्रिटिश क्राउन से करें तो गलत नहीं होगा। लगभग दोनों टॉप हैं, हेड पर हैं, हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, यूनियन एग्जीक्यूटिव, ठीक है। बट यहां प्रेसिडेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कांग्रेस, प्रेसिडेंट इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट नहीं है, कंपोनेंट नहीं है। ये बेसिक डिफरेंस है यूएसए के पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर और इसमें, ये काफी बेसिक डिफरेंसेस है, इसको हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके बाद पार्ट पार्ट करके, राज्यसभा के बारे में, लोकसभा के बारे में, उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, मेंबर, एलिजिबिलिटी, उसके फंक्शंस क्या क्या है वगैरह वगैरह। एक भी क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे, मेरा कोशिश होगा फैक्ट्स पर ध्यान ना दें, कॉन्सेप्चुअल स्टडी करेंगे, इजिली आसानी से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में, अबाउट राज्यसभा और उसका पूरा स्ट्रक्चर विथ मैप, विथ इंडिया मैप के साथ पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।